ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ग्रे स्मोकी आई लुक, जिसको आप कोई भी पार्टी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो या फिर वेडिंग गेस मेकअप लुक में भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की रोज़ फेस मिस्ट को एज अ टोनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। टोनर क्या करता है, हमारे जो पोर्स को है वो उनको मिनिमाइज़ कर देता है और हमारे फेस को काफ़ी हाइड्रेट बना देता है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की बायोडेंडिलियन एजलेस सीरम। ये बहुत ही अच्छी सीरम है, बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है और एक मैट लुक देता है, काफ़ी हाइड्रेट बना देता है आपके स्किन को। उसके बाद प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे की प्राइमर। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, अब बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बेस को जो है रेडी कर देता है और आपके पोर्स को है जो है ब्लर आउट कर देता है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन इन दी शेड मार्बल। मैं इसको बहुत पहले अप्लाई करती थी इस फाउंडेशन को, तो ये जो शेड है मेरी स्किन टोन से ज़्यादा लाइट है, बहुत वाइट कास्ट दे रही थी ये फाउंडेशन। मैंने इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड किया था, इसीलिए शायद ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हुई। आप इसको अगर अप्लाई करते हो तो शेड का ज़रूर ध्यान रखना और ब्यूटी ब्लेंडर या फिर हाथ से ही ब्लेंड करना। ब्रश से ये एक लाइन क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होता। उसके बाद कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फ़ोटो फोकस कंसीलर इन दी शेड लाइट टू मीडियम बेज। इसको मैं अंडर आइज़ पे, मेरे आइज़ के ऊपर, आईलिट पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो चिन पे अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट में से जो कॉम्पैक्ट शेड है उसकी मदद से मैं मेरे पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। इसमें मेरी शेड है डाचे दी लेचे, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है। आईब्राउज़ को फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट आईब्राउ किट इन दी शेड एश ब्राउन। इसमें कोई भी स्पूली नहीं आती, तो मैं मस्कारा के वांड को ऐसे तोड़ के इसमें रख लिया है। अभी ये जो डार्क ब्राउन शेड है उसकी मदद से मैं मेरे ब्राउज़ को जो है फिल इन कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है और एक ही पैलेट में से आपको सब काम हो जाता है, तो बहुत ही पसंद है मुझे ये पैलेट। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल की काजल पेंसिल इन दी शेड ग्रे। इसको मैं मेरे पूरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, उसके बाद ब्रश की मदद से स्पंज करूँगी। ये जो काजल है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी स्मज भी नहीं करता, तो बहुत ही अच्छी काजल है। तो आपको जब भी इसको ब्लेंड करना हो तो थोड़ी तुरंत आपको ब्लेंड करना होगा, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से जो लाइट ब्राउन शेड है उसको ले रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से और जो ग्रे कलर का जो एजेस है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ इस कलर को। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रे के जो एजेस है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं उसी स्विस ब्यूटी की पैलेट में से जो ग्रे शिमरी शेड है उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने जो ग्रे शेड के ऊपर आईलिट में। बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल से शिमर शेड है ये, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है और बहुत ही अफोर्डेबल है ये पैलेट। अब मैं उसी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लेकर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी काजल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ उसी ग्रे कलर के पर्पल के काजल को मेरे लोअर लैश लाइन पे और उसी ब्राउन शेड की मदद से इसको स्मच कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन पे।
काजल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बेला वॉस्ता की व्हाइट कलर की काजल, इसको मैं लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं मेरे लैशेस को कर्ल कर रही हूँ आईलैश कर्लर की मदद से। और मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मस्कारा है। फेस की कॉन्ट्रोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कॉन्ट्रोरिंग पैलेट में से जो चॉकलेट ब्राउन शेड है उसको लेकर मैं मेरे चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होगा, ऐसा फ्लफी ब्रश की मदद से अगर आप कॉन्ट्रोर अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। उसको मैं नोज़ पर भी अप्लाई कर रही हूँ, जिनकी नोज़ थोड़ी सी मोटी होती है लाइक मी, वो लोग ऐसे आपको नोज़ की जो है शार्प कर सकते हो। थोड़ा सा फॉरहेड पे और थोड़ा सा जॉ लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, उससे डबल चिन जो है छुप जाता है। अब ब्लश के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन ब्रश इन दी शेड मेलो वाइन। इट्स अ ब्यूटिफुल पीच पिंक शेड, हर इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड मैट ब्लश है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की कॉन्ट्रो दी फोर से मिनी हाइलाइटर इन दी शेड 04 रॉयल रोज। इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक हाइलाइटर, पिंक शिमरी हाइलाइटर, बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है। इसको मैं मेरे ब्रिज ऑफ द नोज, चीक्स पे, फॉरहेड पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं वही स्विस ब्यूटी की पैलेट में से जो पिंक शिमरी शेड है उसको मैं मेरे इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ आई एम्स्टरडम की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 12 मिस्ट्रेस। इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक शेड, रेडिश पिंक शेड है, हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है। ये जो लिपस्टिक है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ का है ये लिपस्टिक। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी आज आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। सो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।